साबक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि हिंदुस्तान कश्मीर में मुजालिम डा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों समेत दीगर अकलियतों से भी नारवा सलूक किया जाता है। साबक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि हिंदुस्तान कश्मीर में मजालम ढा रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों समेत दीगर अकलीतियों से भी नारवा सलूक कर रहा है। मोदी और उनके साथियों का इंतहा पसंदाना रवैया काबिले मजम्मत है। मुसलमानों के खिलाफ मोदी हुकूमत की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को पूरी दुनिया में उजागर करने की जरूरत है और कश्मीरियों को खासकर इस सूरत हाल का फायदा उठाकर आलमी राय आमा को अपने हक में हमवार करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में आजादी की तहरीक 75 साल से जारी है। हिंदुस्तान जबर के जरिए इस तहरीक को कुचलने में कामयाब नहीं हो सका। अकवामे मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को खित्ते के मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। मसला कश्मीर हल न होने की वजह से जनूबी एशिया तबाही के धाने पर खड़ा है। आलमी ताकतों ने हालात की संगीनी का एहसास न किया तो खित्ता किसी भी बड़ी तबाही का शिकार हो सकता है।